नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई अपराध होने के बाद कितने दिनों के बाद तक उसकी शिकायत या उसकी एफआईआर हम पुलिस थाने में करवा सकते हैं। तो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर करें, उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन में ऑल वाले ऑप्शन को भी ऑन कर ले। इसके साथ ही वीडियो को अपने जानकारों तक शेयर जरूर कर दे, वह लाइक भी वीडियो को जरूर करें, क्योंकि जो जानकारी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वो आप सभी के लिए कानूनी और इतनी महत्वपूर्ण है कि जानकारी में आप खो जाएंगे और बाद में भूल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक शेयर भी करना है, तो इस काम को पहले ही कर ले। अब कर लेते हैं काम की बात। तो प्रश्न यह था कि कितने दिनों बाद तक किसी अपराध की सूचना हम पुलिस को देकर एफआईआर करवा सकते हैं या कोर्ट में भी उसकी शिकायत हम कर सकते हैं। तो इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इस बात को जानने के लिए सीआरपीसी, जिसे हम कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसकी धारा 468 में प्रावधान इसका किया गया है कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें सिर्फ जुर्माने की सजा है, ऐसी यदि कोई सूचना है या ऐसी कोई घटना है तो इसकी शिकायत या इसकी एफआईआर घटना घटित होने के 6 माह तक की जा सकती है। अब इसमें दूसरा, कोई भी अपराध जिसमें सजा का प्रावधान 1 साल तक का है तो ऐसे अपराध की एफआईआर भी 1 साल के अंदर करवाई जा सकती है। तीसरा, इसमें कोई अपराध जो हुआ है उस अपराध के अंतर्गत जो सेक्शन है उसमें धारा जो लगाई गई है उनमें सजा का प्रावधान यदि 3 साल तक का है तो ऐसे अपराध की सूचना या एफआईआर पुलिस थाने में 3 साल के अंदर करवाई जा सकती है। तो ये तो हमने जान लिया कि कोई घटना होने के बाद या कोई अपराध होने के बाद कितने समय बाद तक उसकी एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। तो ये बात जानने के बाद एक नया प्रश्न जरूर आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि अब इस घटना की कैलकुलेशन किस दिन से की जाए, क्योंकि कई बार तो घटना ऐसी होती है कि आपके समक्ष हुई है या आपकी जानकारी में हुई है तो उस दिन को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस दिन से कोई घटना हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जो व्यक्ति को मालूम ही नहीं होते कि वो कब हुए हैं, या यूं समझ ले कि कोई जैसे धोखाधड़ी का केस हो गया या कोई और बात हो गई या कोई चोरी की बात हो गई। मान लो इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि कोई अपना घर बंद करके कहीं बाहर घूमने चला गया और वह 10 या 15 दिन के बाद वापिस आया, तब उसे पता चला कि घर में चोरी हो गई है। तो अब यहाँ पे चोरी की घटना का समय अलग है लेकिन जो घर का मालिक है उसे सूचना मिलने का समय अलग है, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा दिन से समझा जाए कि सूचना किस जो एफआईआर करवानी है वो किस दिन से उसका लिमिटेशन शुरू होगा, तो इसका प्रावधान भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 469 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो यदि कोई घटना जो हमने ऊपर चर्चा करी 6 महीने तक का जिसमें समय है कि जब तक एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, वो घटना के होने से उसकी समयावधि गिनी जाएगी।
दूसरा इसमें कंडीशन यह है कि जब अपराध होने का पता नहीं हो और किसी को बाद में पता चले तो उसकी समावधि उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन जो शिकायत करता है उसे अपराध होने की सूचना मिली। और तीसरा इसमें जो ऑफेंडर है या जिसने अपराध किया है उसका नाम पता मालूम ना हो और जिस दिन शिकायतकर्ता को इस बात का मालूम है कि किसी विशेष आदमी ने यह घटना घटित की है या यह अपराध किया है तो उस दिन से समावधि को गिना जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि कितने दिनों में FIR करवाई जा सकती है और उसका लिमिटेशन कितने दिन से या किस तारीख से या किस समय से गिना जाएगा। तो ये बातें थी जो हमने इस वीडियो में बताई कि कब से और कितने दिन के अंदर कोई FIR करवाई जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी जरूर आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको ये ज्ञानवर्धक भी जरूर सिद्ध हुई होगी। इस वीडियो के संबंध में या इस जानकारी के संबंध में कोई और पूछना हो या इससे अलग कोई और प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी बात कमेंट्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जरूर आपकी बात का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर और ऐसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक आप जुड़े रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।